Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss a very interesting topic jiska naam hai the need for educational and national integration. ठीक है जी, तो ये बीएड सेकंड सेम का सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन का टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है जी, एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ये अलग से यूनिट बनाई गई है और अलग से ही ये क्वेश्चन आता है नीड्स एंड बैरियर्स पे. तो सबसे पहले हम नीड्स पढ़ेंगे. इमोशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स नेशनलिज्म. कहने का मतलब कि नेशन में हमारी जो कंट्री है उसमें इंटीग्रेशन होना चाहिए. इंटीग्रेशन मतलब सभी मिलजुल कर रहें. ठीक है, बट होता क्या है कि बैरियर्स बहुत सारे आ गए हैं. सबसे पहला तो कास्ट बैरियर ही आ जाता है, जिस वजह से सभी इकट्ठे होके नहीं रहते. ठीक है जी, फिर इमोशनल इंटीग्रेशन भी आनी चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि मतलब अलग अलग धर्म के हो तो आप दूसरे के इमोशन नहीं समझ सकते, बट वो इंटीग्रेशन लेके आनी है कि चाहे कोई भी रिलीजन हो सभी में इमोशन होती है और वो दूसरे रिलीजन के भी इमोशंस को समझे. तो वो इंटीग्रेशन हमने लेके आनी है, नेशनलिज्म हमने लेके आना है. तो क्यों ज़रूरी है, नीड्स क्या है, नीड फॉर इमोशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. Men's of different faiths and creed live in India. तो हम सबको पता है कि सबका अलग अलग धर्म है, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी को, तो सबका क्या है, अलग अलग है अपना. ठीक है, सो इट्स असेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री दैट नेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग शुड टेक प्लेस. तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ ज़रूरी है कि सब में सभी इमोशनली अटैच्ड हों एक दूसरे से, एक दूसरे की इमोशंस को समझें और एक साथ रहें. ठीक है, मोर ओवर देयर इज इंटरनल डेंजर ऑफ डिसरप्शन ऑफ यूनिटी इन द कंट्री. बट प्रॉब्लम क्या आ जाती है, कास्टिज्म, कास्ट सिस्टम हो गया, कम्युनलिज्म, कम्युनिकेशन बैरियर्स हो जाते हैं कई बार. ठीक है, फॉरनर है, अभी इंडिया में कोई बैठा है, एक फॉरनर से बात कर रहा है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है, लैंग्वेज बैरियर आ जाता है. ठीक है, कई बार फिजिकल बैरियर्स भी आ जाते हैं कम्युनिकेशन में. फिजिकल मतलब इन्वायरमेंट भी एक बैरियर बन सकता है, एज वेल एज डिस्टेंस भी एक बैरियर हो जाता है. ठीक है जी, लिंग्विज्म, लैंग्वेज सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है. ठीक है, नैरोइज्म आर होल्डिंग देयर हेड हाई, मतलब ये बैरियर्स हैं जिस वजह से क्या है कि इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है. ठीक है, इतना समझ आ गया कि क्यों इमोशनल और नेशनल इंटीग्रेशन ज़रूरी है. बट दिक्कत क्या आ रही है, वही कास्ट सिस्टम, लैंग्वेज प्रॉब्लम और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है जी, अब आते हैं क्या क्या नीड्स हैं, क्यों ज़रूरी है, आर नीडेड फॉर. ठीक है, नेशनलिज्म क्यों ज़रूरी है, मैं पूरा नहीं बोलूँगी इमोशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनलिज्म मैं एक साथ बोल देती हूँ कि नेशनलिज्म क्यों ज़रूरी है. सबसे पहले टू बिल्ड अ माइटी नेशन, हमारे नेशन को अगर प्रोग्रेस करना है तो सभी को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए. देश में पीस लेके आना है तो उसके लिए भी क्या ज़रूरी है, एकत्रता, इकट्ठे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेशनल इंटीग्रेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग अ माइटी नेशन, एक अच्छा नेशन बनाने के लिए. माइटी इन थॉट्स, कि उनके थॉट्स, जो लोग रहते हैं उस देश में उनके थॉट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हों, उनकी सोचने की क्षमता अच्छी हो, उनके एक्शंस जो वो करें उसमें भी अच्छापन दिखे. ठीक है, माइटी इन कल्चर और कल्चरल डिफरेंसेस ना हो. ठीक है, और एक पीसफुल सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिस वजह से वो ये इंटीग्रेशन चाहते हैं कि सभी एक साथ रहें. ठीक है, सेकेंड नीड टू ब्रेक द वॉल्स ऑफ कास्टिज्म. कास्टिज्म मतलब ये जो जात पात का भेदभाव हम करते हैं, उस दीवार को मिटाने के लिए नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है जी, क्योंकि भेदभाव करते हो, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे लड़ाइयाँ वर्ल्ड वॉर तक हो जाती हैं. बट द थिंग इज़ कि हमें उस दीवार को मिटाना है जिससे हम नेशनलिज्म लेके आ सकते हैं, सबको एक साथ लेके आ सकते हैं. देन थर्ड इज़ टू ब्रिंग अबाउट यूनिटी. तो यूनिटी तो देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी एक साथ मिलकर रहें. ठीक है, कौन कौन से यूनिटी, पॉलिटिकल यूनिटी, सोशल यूनिटी एंड रिलीजियस यूनिटी. ठीक है, यूनिटी मतलब एक साथ सभी मिलकर रहें, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो रिलीजियसली हो.
ठीक है। सभी रिलीजन्स को एक तरह की रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सभी यूनिटी में रहें, यूनियन में रहें। यूनिटी प्रमोट स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी, एक साथ रहोगे तो क्या है, स्ट्रेंथ बनी रहेगी हमारे नेशन की। फोर्थ नीड क्या है, टू डेवलप इंडियन कल्चर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इंडिया के अगर कल्चर को बचाना है तो सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है जी। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर, हमारे आर्ट्स, आर्किटेक्चर्स, पेंटिंग्स हो गई, हमारी जो पुरानी म्यूजियम वगैरह में लगी होती है, ठीक है, स्कल्पचर्स हो गए, म्यूजिक हो गया, हमारा डांस हो गया, हमारी लैंग्वेज हो गई, हमारा लिटरेचर हो गया, ठीक है जी। सभी एक साथ रहेंगे तो अपना जो पुराना, हमारी पुरानी जनरेशन थी, उन्होंने इतना कुछ हमारे लिए किया, अगर हम एक साथ मिलकर इसको बचाएंगे तो ये बहुत अच्छे से रह सकता है, ठीक है जी। इनको बचाना है, हमने प्रिजर्व करना है आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी और हमारे नेशन के लिए भी। हम एक साथ रहेंगे तभी बाकी देश वाले हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है जी, वो भी हमारी तरह बनना चाहेंगे। देन फिफ्थ नीड इज टू फेस एक्सटर्नल एनिमी, ठीक है जी, कि जो वॉर्स वगैरह होती हैं, लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं बहुत सारे, जैसे बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम आ जाती है, बट वो रिलीजियस इशू फिर से आ जाता है कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ को हमने मिटाना है ताकि कभी भी हमारे देश पे अगर कोई हमला करे, ठीक है, तो हम क्या है, एक साथ खड़े हों कि कुछ कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हम क्या है, हमेशा एक साथ हैं, ठीक है। देन टू फाइंड आउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि क्यों ज़रूरी है नेशनलिज्म, ताकि हम यूनिटी ढूंढे डाइवर्सिटी में भी। डाइवर्सिटी क्या होता है, अलग अलग तरह के लोग, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारी कास्ट्स हैं, ठीक है, और वो क्या है, सारे इकट्ठे हो, हमने यूनिटी ढूंढनी है, एकत्रता ढूंढनी है उस अलग अलग लोगों में भी, चाहे लोग अलग अलग हैं, चाहे किसी की कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, लैंग्वेज चाहे अलग है, फिर भी हमने क्या करना है, एक साथ रहना है, तभी हम नेशनलिज्म लेके आ सकेंगे, ठीक है जी। और नेशनलिज्म का यही फायदा है कि इससे हमारा देश बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा। देन क्यों ज़रूरी है, सेवन्थ नीड टू सर्वाइव डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करनी है, डेमोक्रेसी एज यू ऑल नो हमारे जितने भी राइट्स होते हैं, ठीक है जी, जो गवर्नमेंट हम बनाते हैं, जैसे हम बोलते हैं अब्राहम लिंकन ने भी ये बोला था दैट डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है जी। तो जो गवर्नमेंट हम लोग मिलके एक साथ बनाते हैं, ठीक है, हम अपने राइट्स को कैसे प्रिवेंट करते हैं, वो सब चीज़ें हमें सही रखनी है, प्रोटेक्टेड रखनी है, तो उसके लिए हमें इकट्ठे होके रहना पड़ेगा। देन टू सर्वाइव द नेशन, ठीक है जी, नेशनल इंटीग्रेशन नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द नेशन। हमें अपने नेशन को प्रोटेक्ट करना है, इन द एब्सेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन टेंडेंसी ऑफ द कंट्री में लेड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हम ही एक साथ नहीं रहेंगे तो जो दूसरे देश वाले हैं वो हमें कमज़ोर समझेंगे, ठीक है, और वो हमारी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएंगे, और जिससे हमारे नेशन को क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, जिस वजह से हमें क्या करना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, हमारे नेशन को बचाना चाहिए। देन टू मेक सोशल प्रोग्रेस, तो देखिए प्रोग्रेस तो कर, जो नेशनल इंटीग्रेशन होगी अगर हम एक साथ रहेंगे, ठीक है, इंटीग्रेटेड रहेंगे, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारी देश को आती है कभी भी, उस डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है, क्रशेस इविल डिस्ट्रक्शन, इविल फोर्सेस, ठीक है, जो बुरी आंखें हमारे देश पे हैं उसको तबाह करने पे लगी हुई हैं, ख़त्म करने पे लगी हुई हैं, उनको हम दूर भगा सकते हैं अगर हम इंटीग्रेशन में रहें, यूनिटी में रहें, एक साथ रहें, ठीक है जी। नेक्स्ट नीड इज टू मेक इकोनॉमिक प्रोग्रेस, टू मेक इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इकोनॉमी में अगर प्रोग्रेस करनी है तो उसके लिए हार्ड वर्किंग नेशन होना चाहिए, नेशन में अच्छे लोग होने चाहिए, ठीक है। इट हेल्प्स टू डेवलप इंडस्ट्रीज़, इससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप अप होंगी, ट्रेड्स डेवलप अप होंगे, वोकेशंस, बहुत सारी नौकरियां, जॉब्स लोगों को मिलेंगी, अलग अलग प्रोफेशंस में लोग जाएंगे, एक साथ काम करेंगे, ठीक है जी, और सिटीजन्स हैं वो हार्ड वर्किंग बनेंगे, सेल्फ रिलायंट और प्रॉस्परस होंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे, जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या बोला था, वी मस्ट स्ट्राइव टू राइज एज अ नेशन अबव रीजनल जेलसीज एंड एस्पायरेशन
एंड बिल्ट अप इकोनॉमिक पावर एंड स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड, कि हमें एक साथ रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो जेलसी वगैरह है वो दूर करनी चाहिए एक दूसरे से, और एक साथ हमें रहना चाहिए अगर हमने नेशन के लिए खड़े होना है. देन नेक्स्ट नीड इज़ टू डेवलप द सेंस ऑफ सर्विस. हमारे नेशन के लिए हमने उसकी सर्विस करनी है. सर्विस इन द सेंस इज डिवोशन, ठीक है, जो है हमारे देश का है, ठीक है, इस मिट्टी में हम रहते हैं तो हमें एक साथ रहना चाहिए, और जब भी हमारे देश को सैक्रिफाइस की ज़रूरत होगी हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ नेशनलिज्म इज़ टू मेंटेन पीस एंड हारमोनी. लोगों में सेंस ऑफ ड्यूटी लेके आना, ठीक है, सेंस ऑफ डिवोशन लेके आना, सेंस ऑफ डिसिप्लिन लेके आना, एंड सेंस ऑफ सैक्रिफाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेशनल ऑनर के लिए, मतलब हमारे नेशन के लिए, देश के लिए. लोगों में ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और ये तभी आएंगी अगर हम एक साथ रहेंगे, पीस में, शांति में रहेंगे, हारमोनी और एक साथ रहेंगे. इट इंस्टिल्स इन देम अ सेंस ऑफ वननेस, यूनिटी, डायनामिज्म, which develops the national morality socially, culturally, economically and politically. कि हम एक साथ रहें socially भी, economically और morally भी, हम क्या रहें, एक साथ रहें, इससे हमारा nation भी develop होगा, as well as social integration भी आएगी, हम एक दूसरे के emotions को भी समझ पाएंगे, और ये सारे needs हैं nationalism के. And I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.